हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई। पहली बात तो जिनका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया उनके लिए मेरा काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका GRF क्लियर हुआ है उनके लिए तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों का यहाँ पर नहीं हुआ है, 1-2 मार्क्स से या 1-2% से रह गए हैं, तो उनको यहाँ पर सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जून में वापस एग्ज़ाम है। 20 जून को न्यूज़पेपर में ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको 20 जून को नेट एग्ज़ाम होगा एंड 23 जून को आपका सेट एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से आपको नेट और सेट एग्ज़ाम का दोनों ऑफर है जून के मंथ में। तो देखा जाए तो आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस एक नया साल स्टार्ट हुआ है, आज जनवरी 1 है, तो नए साल के दिन नए नए आप क्या करो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो, 1-2 दिन पहले अच्छे से रेस्ट ले लो। अच्छे से कोई भी चीज़ को नया स्टार्ट करने के लिए पहले खुद को भी रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। खुद को भी रेडी रखो कि अब मुझे नया चैप्टर्स पढ़ना है, वापस नई उम्मीदों के साथ मुझे नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है। एक नई उम्मीद रखो और पिछला पुराना भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि पिछले को भूलोगे, पुराना चीज़ें भूलोगे, तभी नए यादों को अपने माइंड में आप कैप्चर कर पाओगे। तो यही है, थोड़ा सा जो चीज़ हो चुका है उसके लिए आप जाने दीजिए, प्रेजेंट में अच्छे से फोकस कीजिए कि फ्यूचर आपका बेस्ट बने। तो मैं आप सबको इतना ही एडवाइस सजेशन देना चाहूँगी, जिस बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग कैसे, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, उसको वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, सिलेबस वगैरह हर चीज़ में बना चुकी हूँ वीडियोज़। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, पर्सनल नोट्स आपको देने वाली हूँ, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि बहुत सारे टॉपिक जो नहीं मिलते हैं, हम गूगल से सर्च करते हैं नहीं समझ में आता, सारे टॉपिक पे मैं आपको डिस्कशन और सारा टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो आज मैं उन बच्चों का वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, यहाँ पे उन बच्चों की थोड़े से इन्फॉर्मेशन, उनको एडवाइस सजेशन देने वाली हूँ, जिसका नेट एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है उनको कुछ बताने वाले हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट सारे जितने भी सारी गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी है, सारी वैकेंसी का डिटेल्स फर्स्ट टू फर्स्ट आपको बताता है, प्लस UGC नेट एग्ज़ाम का पेपर 1 एंड पेपर 2 का इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स मैं पूरा आपको कराने वाली हूँ। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन हम वीडियोज़ बनाते हैं आपको फर्स्ट टू फर्स्ट आप तक आते रहेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे अब आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है UGC नेट प्रोफेसर इंटरव्यू डिटेल्स। आज मैं थोड़ा सा आपको इंटरव्यू पे क्वेश्चन बताने वाली हूँ। मैंने आपको बता दिया है अपने लास्ट वीडियो में कि पहले आपको आपका नेट क्वालिफाइड होने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे किसी ने फर्स्ट स्टेप ये कर लिया है और रिजल्ट उसका आ गया, तो अब आगे क्या करना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको वैकेंसी जॉब के बारे में सोचना है कि गवर्नमेंट की वैकेंसी कब कब निकल रही है, प्रोफेसर की जॉब के लिए कौन कौन सी वैकेंसी कब निकल रही है, न्यूज़पेपर में पेपर में आप थोड़ा सा देखो, गूगल साइट वगैरह पे फाइंड आउट करो कौन से स्टेट में निकल रही है, आपके नियर बाय है, थोड़ा सा दूर है, हर जगह पे जाके इंटरव्यू आपको देने जाना है, ठीक है। पर वहाँ पे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो बताने वाली हूँ, आज आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। पहली बात तो देखो, आपका नेट क्वालिफाइड एग्ज़ाम हुआ है तो आपको अपने सब्जेक्ट का फुल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई शक नहीं है। जाहिर सी बात है, सामने वाला पर्सन जब आपका इंटरव्यू यहाँ पे ले रहा है तो उसको पूरा पता है आपने नेट क्वालिफाइड किया है, तो मतलब आपको अपने सब्जेक्ट का फुल नॉलेज है यहाँ पे। और प्लस जिस बच्चे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले अब वो क्या करेगा, अभी से कहीं ना कहीं जॉब करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि आपको पढ़ाने का तरीका आता है कि नहीं आता है, ये थोड़ा सा मैटर करता है। और जिन लोगों के पास नहीं भी है एक्सपीरियंस यहाँ पे नेट एग्ज़ाम का, तो उसके लिए मैं सबसे अच्छा बता देती हूँ, आप सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ट टू बेस्ट करके जाइए, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, बट आपके पास भी बेटर नॉलेज होगा तभी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात आपको ये करके जाना है, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, मैं अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बताती हूँ, उस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का समझ जाइए। जैसे मेरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, कौन से ऑथर ने क्या क्या बोला है, कौन सा डेफिनेशन दिया है, कौन से चीज़ों पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, कौन सा थियरी बनाया है उन्होंने, ये आपको फर्स्ट पढ़ के जाना है। सबको अपने सब्जेक्ट का समझ में आ गया यहाँ पे, तो सबको पहले वो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ऑथर्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टेक्स्ट बुक, कौन से रेफरेंस के लिए आप कौन सा रेफरेंस ऑथर यूज़ करो,
कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से ऑथर की बुक यूज़ कर रहे हो ये आपको पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप कौन से ऑथर की बुक प्रीफर करते हो या कौन से रेफरेंस की बुक प्रीफर करते हो, तो उस टाइम मुझे वहाँ पे ऑथर्स के नेम पता होने चाहिए कि हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं बच्चों को ये बुक ये रेफरेंस बुक मैं यूज़ करती हूँ। वहाँ पे इंटरनेशनल सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक यूज़ करती हूँ, जैसे एम एल जिंगम की सबसे बेस्ट बुक है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बेस्ट बुक है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके पूरे ऑथर्स के नेम वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, और मैं आपको बता देती हूँ एक सेकेंड। तो पहले तो आपको प्रिपरेशंस करना सिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या घर से प्रिपरेशंस करके जाना है। ऑल डेफिनेशंस पूरा पढ़ के जाना है। डेफिनेशन मतलब इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन आपके सब्जेक्ट के होते हैं वो। ऑथर्स का नेम पता होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑथर्स के नेम कि ये सब्जेक्ट का ऑथर ये है, ये सब्जेक्ट का ऑथर ये, पूरे ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको आपके कम से कम कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक होने चाहिए जिसके बारे में आपको फटाक से बोलेंगे कि आप इसका यहाँ पे मुझे क्या करो डेमो लेक्चर दे दीजिए। तो आपको एक घर से टॉपिक पढ़ के जाना है या अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है कि अगर आपको डेमो लेक्चर्स के लिए यहाँ पे बोला जाए तो आप डेमो लेक्चर्स वहाँ पे प्रॉपर दे सको, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है वो वहीं पे आपको बोल देंगे कि आप डेमो लेक्चर्स वहाँ पे दिखाओ मुझे, ऐसा आपको नहीं बोलेंगे आप इस टॉपिक पे दो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आप कोई भी टॉपिक घर से ही अच्छे से पढ़ के जाओ कि उसका डेमो लेक्चर आप दे सको कि आप स्टूडेंट्स का आपका पढ़ाने का तरीका यहाँ पे कैसा है, ठीक है। तो ये आपका डेमो लेक्चर्स एक आपको वहाँ पे इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको घर से ही प्री प्लान करके प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे इंटरव्यू का अगर डेट दिया है नेक्स्ट वीक तो ये वीक में पूरा अच्छे तरीके से आप ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लीजिए। और इंटरव्यू में आपको कभी भी किसी चीज़ का आंसर बस एक से दो लाइन तक ही देना है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आपको नहीं देना है। किसी भी चीज़ को अगर समझाना है तो एक लाइन या दो लाइन तक ही फटाक से समझा दो। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करोगे तो चुप होगे, डाउट्स होगा तो उस वैसा आपको नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना है कि राइट नाउ आई डिडंट नो दैट अबाउट आंसर। आपको सिंपली अच्छे तरीके से बता देना है कि मुझे अभी इस चीज़ का आंसर यहाँ पे नहीं पता है। इस तरीके से आप सिंपली आंसर दोगे, जो सच है वही आंसर दोगे, वहाँ पे हमें कुछ दिखावटी नहीं करना है कि नहीं मुझे आ रहा था बट मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। सिंपल बोलना है कि मुझे अभी नहीं याद है इस चीज़ का आंसर, सिंपल, और कुछ नहीं आपको यहाँ पे करना है। अब जरूरी नहीं होता सामने वाला पर्सन जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें सारे क्वेश्चन के आंसर आए, बट हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की। तो समझ में आ गया क्या क्या प्री प्लान आपको करके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं करना कि बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सिंपल तरीके से 10th का 12th का हर चीज़ का ओरिजिनल ऊपर रखो, नीचे के कॉपी जेरोक्स रखो, इस तरीके से नेट रिजल्ट अपना ऊपर रखो, इस तरीके से आपको अपना बंचेस बना के लेके जाना है रिजल्ट का। अब ये आप यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हो तो पिक्चर्स मैंने कहीं से भी उठाया है। इस तरीके से 4-5 लोग होंगे वहाँ पे और एक पर्सन से इंटरव्यू लेंगे। कभी एक क्वेश्चन ये पूछेगा तो कभी एक क्वेश्चन ये पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई एक HOD होगा, आपका सब्जेक्ट का HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई इसमें से एक HOD होगा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का। जैसे मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो मेरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन, सारे HOD होते हैं उसमें से कोई एक प्रिंसिपल हो जाता है। और ये सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। आपका कोई छोटा मोटा प्रोफेसर नहीं आता, जो कॉलेज में पढ़ा रहा है वो नहीं आता। HOD आते हैं, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू यहाँ पे लेने आते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको अपने हेयर वगैरह ऐसा यहाँ पे जैसे पौनी किया है उस तरीके से पौनी वगैरह करके जाना है। सिंपल ड्रेस बनो चाहे कैसे, सिंपल शर्ट वर्ट बनो एज ओ विश, आपका इसमें कुछ ये नहीं है कपड़े का। तो इस तरीके से आपको जाना था। चार लोग आपके सामने ऐसे बैठेंगे, 4-5 लोग, और कभी कभी इसमें आपका डेमो लेक्चर देने के लिए दे देते हैं तो आपको पीछे ब्लैकबोर्ड वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है, मार्कर सब कुछ, वहाँ पे जाके आपको डेमो लेक्चर सा छोटा सा देना रहता है। तो वो डेमो लेक्चर आपको अपने घर से ही प्रिपरेशंस करके जाना है। तो समझ में आ गया, आई होप मैंने बेस्ट टू बेस्ट इंटरव्यू को समझाने के लिए आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि इंटरव्यू कैसा आपका प्रोफेसर का होने वाला है, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। मुझसे फेस टू फेस बात करके समझना चाहते हो तो आपको इसके लिए क्या करना रहेगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करना है। तो वहाँ पे आप मुझसे फेस टू फेस बात करके सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब नेट क्वालिफाइड हो गया तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी फाइंड आउट करना है और इंटरव्यू को क्रैक करना है। इंटरव्यू इतना ईजिली क्रैक नहीं होता, आपसे भी बेहतर लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो कम से कम 20-25 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कम से कम उसमें एक सिलेक्ट होता है।
तो इस तरीके से वो एक सिलेक्ट में भी आपके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, तभी आप क्या होगा वहाँ पे सिलेक्ट होगी, आप में कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।